नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम सभी लोग कवर करने वाले हैं कुछ ऐसे कानूनी शब्द, दोस लीगल वर्ड्स विच इज यूज्ड इन दी फैमिली लॉज, यानी पारिवारिक मुकदमों में फैमिली लॉ के जो केसेस हैं उन केसेस में ऐसे कौन से कॉमनली लीगल वर्ड्स है जिसकी जानकारी हम सभी को होना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ टॉपिक इज लॉ वर्ड्स फॉर ऑफ लीगल फैमिली लॉ, यानी लॉ वर्ड्स फॉर द फैमिली लॉ। यानी आज का जो टॉपिक है वो है ऐसे कानूनी शब्द जो पारिवारिक विधि में प्रयुक्त होते हैं, जिनका उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बहुत ही कॉमन शब्द है एलिमनी। कई बार आप लोगों ने फैमिली लॉ में ये शब्द सुना होगा, फैमिली कोर्ट में या लॉयर्स द्वारा ये शब्द का इस्तेमाल होता है एलिमनी। एलिमनी को स्थायी भरण पोषण राशि कहा जाता है। ये एक प्रकार से कंसिडरेशन होता है, जब दो पार्टी आपस में डिवोर्स लेती है तो हस्बैंड जो है वो वाइफ को उसके जीवन आगे चलाने के लिए एक राशि देता है, एक मुश्त राशि देता है, लमसम मनी देता है। उस लमसम मनी को, एक मुश्त राशि को स्थायी भरण पोषण राशि अथवा एलिमनी कहा जाता है। तो एलिमनी का जो शब्द है ये डाइवोर्स के केसेस में बहुत उपयोग में आता है। एबसेंट पेरेंट, ये एबसेंट पेरेंट उन पेरेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसने अपने बच्चे को छोड़ दिया है, यानी बच्चे को छोड़कर चला गया है तो वो एबसेंट पेरेंट हो जाता है। इसके बाद है कंसीलिएशन, एक शब्द कॉमनली यूज होता है कंसीलिएशन। कंसीलिएशन को समझौता कहा जाता है या सुलह कार्रवाई कहा जाता है। जब कभी भी कोई भी पति पत्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और न्यायालय में केस लगाया जाता है तो फैमिली कोर्ट सबसे पहले कंसीलिएशन करवाती है पार्टी की। कंसीलिएशन का मतलब दोनों में सुलह का प्रयास किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज का प्रयास किया जाता है, इसी को कंसीलिएशन कहा जाता है। हिंदी में सुलह कहेंगे। कोरेस्पोंडेंट, नॉर्मली फैमिली मैटर्स में पति और पत्नी दो ही अलग अलग पक्षकार होते हैं, एक प्लेंटिव होता है एक रिस्पोंडेंट होता है, पर कई बार कोरेस्पोंडेंट भी बनाए जाते हैं। सामने वाले के खिलाफ हमने केस लगाया तो दो पार्टी है, रिस्पोंडेंट जो है जो प्रतिवादी है वो दो है, उत्तरदाता दो है, दो से ज्यादा है, तो वहां पे सह प्रतिवादी के लिए उनको यूज किया जाता है टर्म जिसका नाम है कोरेस्पोंडेंट। काउंसिल, काउंसिल फॉर प्लेंटिव, काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट। तो काउंसिल शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है एडवोकेट के लिए या बैरिस्टर के लिए जो दूसरे व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन न्यायालय में करता है, तो उसके लिए काउंसिल वर्ड यूज किया जाएगा। कस्टडी, फैमिली कोर्ट में कस्टडी के केसेस बहुत चलते हैं। यहाँ पर कस्टडी का मतलब बच्चों की कस्टडी से, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, यानी कस्टडी केसेस इसको कहा जाता है, अभिरक्षा के मामले। डिवोर्स डिग्री, डिवोर्स डिग्री का मतलब होता है न्यायालय ने मामला सुन लिया है और मामला सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों पार्टी के बीच के विवाह को समाप्त कर दिया, यानी डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज हो गया। जब डिवोर्स में ऑर्डर दिया जाता है और ऑर्डर के तारतम्य में डिग्री बन जाती है तो डिग्री एक प्रकार से डिवोर्स का निर्णय होता है, तो डिवोर्स डिग्री को हम तलाक का निर्णय भी कह सकते हैं। एक्स पार्टी, कई बार शब्द सुना होगा आपने, एक्स पार्टी जजमेंट हो गया। एक्स पार्टी का मतलब एक पक्षीय निर्णय हो गया, एक पक्षीय मतलब दूसरे पक्ष को सुने बिना ही निर्णय हो गया। तो एक्स पार्टी निर्णय तब होता है जब एक पक्षकार को न्यायालय ने समन करके बुलाया लेकिन वो व्यक्ति नहीं आता है, विलफुली नहीं आता है, डिसोबे करता है कोर्ट के आदेश का, तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है। गार्जियन सूट, गार्जियन सूट का मतलब ये होता है जब कोई भी पक्षकार माइनर हो, माइनर मतलब अवयस्क हो, या कोई व्यक्ति पक्षकार अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड मतलब दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है, तो उसके केसेस के लिए एक दूसरा व्यक्ति होता है जो उसके केस में उसको रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसे गार्जियन सूट कहा जाता है। फैमिली कोर्ट में इंजंक्शन ऑर्डर भी बहुत यूज होते हैं। इंजंक्शन ऑर्डर वैसे तो सिविल में भी बहुत इस्तेमाल होते हैं। इंजंक्शन मतलब व्यादेश, कोई चीज करने से रोकने का जो आदेश होता है उसको इंजंक्शन ऑर्डर कहा जाता है। मेंटेनेंस, भरण पोषण, हम सभी को पता है जीवन जीने के लिए कुछ बेसिक नीड्स की आवश्यकता होती है और जब विवाह हो जाता है तो पत्नी पति पर निर्भर हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदि पति पत्नी को निकाल देता है तो पति के ऊपर मेंटेनेंस का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। तो मेंटेनेंस का मतलब क्या, भरण पोषण, यानी ये एक मंथली अमाउंट होता है जो कि मंथली देना पड़ेगा वाइफ को। मैरिटल प्रॉपर्टी, नाम से स्पष्ट होना है मैरिटल यानी वैवाहिक संपत्ति। मैरिटल प्रॉपर्टी का मतलब विवाह के दौरान प्राप्त हुई संपत्तियों को मैरिटल प्रॉपर्टी कहा जाता है। ऐसी मैट्रिमोनियल होम, मैट्रिमोनियल मतलब वैवाहिक स्थान जहां पर दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हुआ था उसे मैट्रिमोनियल होम कहा जाएगा। शादी के बाद जो रहने का स्थान था उसे मैट्रिमोनियल होम कहा जाएगा। मीडिएशन, कई बार न्यायालय एक प्रयास करता है, एक थर्ड व्यक्ति प्रयास करता है दो पार्टीज के बीच में समझौता लाने का प्रयास करता है, तो एक ऐसा थर्ड व्यक्ति जो दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज लाने का प्रयास करता है उसको मीडिएशन कहा जाता है।
मीडिएशन को मध्यस्थता कार्रवाई भी कहा जाता है। रिकंसिलिएशन, दोनों पार्टी को जो मतभेद हो गए थे, दोनों अलग हो गए थे, आज दोनों पार्टी को साथ में लाने का जो प्रयास होता है इसे रिकंसिलिएशन कहा जाता है। रिकंसिलिएशन का मतलब पुनः समझौता भी कहा जा सकता है। रेसिडेंस ऑर्डर, कई बार न्यायालय एक आदेश देती है, मान लीजिए पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया है तो रेसिडेंस ऑर्डर दे सकती है कोर्ट। रेसिडेंस ऑर्डर मतलब निवासिक आदेश या निवास में रहने का आदेश। इसके बाद जुडिशियल सेपरेशन, डाइवोर्स के पहले हमारे देश में जुडिशियल सेपरेशन भी लिया जा सकता है। डाइवोर्स में परमानेंटली जो दाम्पत्य जीवन है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में ऐसा नहीं होता है। ये भी एक न्यायालय का आदेश होता है और इसके भी ग्राउंड्स वही होते हैं जो कि डिवोर्स के होते हैं, लेकिन इसमें एक अवसर होता है कि पार्टी अलग अलग रहेगी और रहने के बाद यदि पार्टी को लगता है, पक्षकारों को लगता है कि वो पुनः अपना दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करें तो कर सकेंगे। तो जुडिशियल सेपरेशन को न्यायिक पृथक्करण कहा जाता है। ये भी एक प्रकार का केस होता है जो न्यायालय में लगाया जाता है। इसमें संबंध तो नहीं टूटते हैं लेकिन पति पत्नी को साथ रहने की आवश्यकता नहीं होती, इसी को कहा जाता है न्यायिक पृथक्करण। एडॉप्शन, एडॉप्शन का मतलब यहां पर दत्तक ग्रहण है, गोद लेना। ऐसे पेरेंट्स जिनके अपनी संतान नहीं होती है तो वो अपने रिलेटिव से या किसी अन्य व्यक्ति से गोद ले सकते हैं, दूसरे का बच्चा ले सकते हैं, इस प्रक्रिया को एडॉप्शन कहा जाता है। एज ऑफ मेजोरिटी, ये भी एक कॉमन वर्ड है जो कि फैमिली लॉज में यूज होता है, फैमिली कोर्ट में यूज होता है। एज ऑफ मेजोरिटी यानी वयस्कता की आयु। आप सभी को पता है वयस्कता की आयु हमारे देश में 18 रखी गई है, ऐसा माना जाता है कि 18 साल के बाद व्यक्ति वयस्क हो जाता है, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, इसीलिए कॉमनली शब्द का प्रयोग होता है एज ऑफ मैच्योरिटी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड, एलिमनी, एब्सेंट पेरेंट, कंसीलिएशन, कोरिस्पोंडेंट, काउंसिल, कस्टडी, डिवोर्स डिग्री, एक्सपायरिटी, गार्जियन सूट, इंजंक्शन ऑर्डर, मेंटेनेंस, मैरिटल प्रॉपर्टी, मैट्रिमोनियल होम, मेडिएशन, रिकंसिलिएशन, रेसिडेंस ऑर्डर, जुडिशियल सेपरेशन, एडॉप्शन एंड एज ऑफ मेजोरिटी। आई होप यह लेक्चर आपके लिए यूजफुल साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।